तुझसे सामान लूंगा मैं तेरे इन गंदे हाथों से? इससे बढ़िया तो मैं किसी दुकान से सामान ना लूंगा। पता नहीं कौन सी बीमारी लेके घूम रही होगी। नहीं साहब, कोई बीमारी नहीं साहब, साहब ये सही है साहब, साहब 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 ही चिप्स ले लो साहब, बस 20 रुपए के साहब, कोई केमिकल नहीं है साहब। अच्छा, ये पूरा बैग कितने का है? ये साहब 700 के हैं पूरे। अच्छा, तो एक काम करो, ये लो पैसे। साहब 2000 मेरे पास तो छुट्टे नहीं है साहब। आप ये पैसे अपने पास रखिए, मैं अभी पास की दुकान से छुट्टा कराती हूँ साहब। आप साहब कहीं जाना मत, आप साहब यहीं रहना, मैं आती हूँ अभी, आती हूँ साहब। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम यहीं मिलूंगा। तुम जाओ आराम से छुट्टा करा के आ जाओ, ठीक है? जी साहब, जी साहब, जी साहब। एक काम करती हूँ, रूपाली की दुकान पे जाती हूँ। रूपाली बहन मुझे ना 1300 रुपए दे दो, मुझे वहाँ एक साहब बैठे हुए गाड़ी, मुझे उनको देना, वो सामान मेरा खरीद रहे हैं। रूपाली बहन मुझे 1300 रुपए दे दो, मुझे देने वहाँ पर। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? मैं तुझे 1300 रुपए दूंगी या तू लेके भाग गई तो? अरे रूपाली बहन तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं सारा सामान तो तुम्हारी दुकान से ही लेती हूँ। और हाँ, धंधे में कोई उधारी नहीं चलती है, मैं तुझे कोई उधारी नहीं दे सकती 1300 रुपए। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रखी थी, आप मुझे पैसे दे दो। चल ये हुई ना बात, चल ले ये ने पैसे रख ले, मैं आती हूँ। अरे ये गाड़ी कहाँ चली गई? अरे वो तो चला गया, मुझे पहले ही लगी रहा था इतना सारा सामान एक साथ कौन खरीदता है। साफ 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 चिप्स के पैकेट ले लो साहब, 20 रुपए के साहब, बहुत अच्छे सर साफ साफ। अरे तुझसे सामान लूंगा मैं तेरे इन गंदे हाथों से? इससे बढ़िया तो मैं किसी दुकान से सामान ना लूंगा। पता नहीं कौन सी बीमारी लेके घूम रही होगी। नहीं साहब, कोई बीमारी नहीं साहब, साहब ये सही है साहब, साहब साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये मेहनत करके मैं चिप्स बेचती हूँ साहब। है हट, मैं नहीं ले रहा चिप्स। आज तो पूरे दिन में मेरा कुछ भी नहीं बिका, आज मैं अपने भाई बहन को खाना कैसे खिलाऊंगी? हे भगवान तू ही मेरी मदद कर। अरे साहब की गाड़ी, साहब आप उस दिन बिना चिप्स लिए ही चले गए, मैं तो छुट्टा कराने गई थी, मैं आके देखी तो आप थे ही नहीं साहब। उस दिन मैंने आपका बहुत वेट करा और मेरे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा मजाक क्यों करा साहब, क्यों करा? अरे उस दिन हुआ यूं कि हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ मैं अभी जल्दी से पहुंचता हूँ हॉस्पिटल, ठीक है। और आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू मुझे? मैं कुछ समझी नहीं। उस दिन जब मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी चला के हॉस्पिटल पहुंचा तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा? मैडम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, वो क्या है ना रास्ते में बहुत जाम था। मेरे पिताजी की तबीयत अब कैसी है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपके पापा बिल्कुल ठीक है, उनके साथ चमत्कार हुआ है। चमत्कार? क्या चमत्कार मैम? जरूर उनकी सेहत के लिए किसी ने अपने सच्चे दिल से दुआ मांगी होगी। आपके पापा जिस कंडीशन में थे ना, उससे बाहर निकलने के लिए उनको दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत थी। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दवा के साथ साथ हमें दुआ की भी जरूरत होती है। ये आपके फादर की फाइल है, मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, ये आप अपने फादर को टाइम से देते रहना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैम, मैं उन्हें टाइम टू टाइम मेडिसिन देता रहूँगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। और हाँ, ये हॉस्पिटल्स के बिल है, आप कैश काउंटर पे जाओ, उसे क्लियर करा दो और अपने फादर को डिस्चार्ज करके घर ले जाओ। मुझे बहुत खुशी होगी उनको घर ले जाते हुए, और घर में सब उनको मिस भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और उस वक्त मुझे याद आया कि तुमने मेरे परिवार वालों के लिए कितने शिद्दत से दुआएं मांगी थी। भगवान आपको और आपके परिवार को खुश रखे, मैं यही दुआ करूंगी, आपके परिवार वाले को कोई तकलीफ ना हो, मेरी बस यही दिल से दुआ है। बस साहब एक मिनट रुकना, मैं छुट्टा लेके आती हूँ। तुम्हारी दुआ की वजह से ही मेरे पापा ठीक हो पाए हैं, थैंक यू सो मच। और रही बात इन चिप्स की, उस दिन तो मैं ये चिप्स सारी नहीं खरीद पाया, लेकिन आज तुम्हारे पास जितना भी सामान है ना वो सब दे दो, वो सब मैं खरीदूंगा। जी 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 साहब।
ये लो आपके पैसे। साहब ये तो बहुत ज्यादा हैं। अरे कोई बात नहीं, रख लो, मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर कुछ भी नहीं। आपका धन्यवाद साहब, ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ साहब, जो आपने मेरी मदद की है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मैं और मेरे भाई बहन भरपेट खाना खाएंगे। कभी कभी हमें बिना जरूरत के भी सामान खरीद लेना चाहिए, हो सकता है उस पैसों से किसी गरीब को दो वक्त का खाना मिल जाए। क्या उस अमीर आदमी ने इस गरीब चिप्स वाली के साथ अच्छा किया? कमेंट में जरूर बताना।